हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और देखिए, आज जो मैंने वीडियो बनाया है, ये मैंने इस टॉपिक को लेकर के बनाया है कि जब हम गर्मियों की सब्जियां लगाते हैं, बेलवर्गीय सब्जियां लगाते हैं या किसी भी तरीके की सब्जियां लगाते हैं, तो क्या होता है कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में, वो तो बेलवर्गीय सब्जियां या जो भी गर्मी की सब्जियां होती है वो पूरी तरीके से ली चुकी होती है। लेकिन अब हमको क्या करना है कि अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं और अब हम लगाएंगे सब्जियां, तो जिसमें हम लगाएंगे मूली, बैंगन, पालक, मिर्ची, टमाटर, ये सब करीब करीब लगाई जाती है। तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि जो पहले हमने गर्मियों में जो सब्जियां लगाई थी वो सब्जियां पूरी तरीके से मिट्टियों का पोषक तत्व ले चुकी है, तो उसके लिए अब आपको हमको दोबारा से मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। तो अब हम दोबारा से जब मिट्टी तैयार करते हैं तो उसके लिए हमको वापस उसमें उतने ही पोषक तत्व डालने पड़ेंगे, क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो टेरेस गार्डनिंग में यही चीज़ होती है कि भाई पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं, एक फसल होती है उसके बाद दोबारा से टेरेस गार्डनिंग यानी मेहनत। तो टेरेस गार्डनिंग का मतलब मेहनत है, तो आप मेहनत अगर करना चाहते हैं तो आप टेरेस गार्डनिंग आराम से कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊँगी कि हम क्या करेंगे। तो मैंने तो क्या किया है कि जो भी आप अगर गर्मी वाली सब्जी लगाते हैं और उसके बाद जब सर्दियाँ आ जाती हैं, तो देखिए इस तरीके से मैंने इस मिट्टी को अब धूप में सुखा लिया है। इसके अंदर मेरी खीरे के पौधे लगे हुए थे जिससे मेरे को खीरे मिल चुके थे, और अब मैंने ये मिट्टी को वापस धूप में कम से कम 2 से 3 दिन के लिए, आपको ये नहीं कि आप इसको 10 दिन तक लगातार छोड़ दें, नहीं, आपको 2 से 3 दिन तक इसको अच्छी तरीके से धूप में सुखा देना चाहिए, ताकि जो भी इसमें फंगल इन्फेक्शन हो चुका हो या कोई कीड़े हो या किसी तरीके का भी कुछ भी, तो ये धूप में क्या होगा कि ये दोबारा से रिचार्ज हो जाएगी। और उसके बाद अब हम इसमें मिलाएंगे कि भाई अब वापस इसको उतना ही उपजाऊ हमको बनाना पड़ेगा कि भाई अब हम, क्योंकि हमको टमाटर और मिर्ची या किसी भी तरीके की जो सब्जियां लेते हैं उसके अंदर हमको वापस उतने ही पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं इसके अंदर खाद मिला करके और इसको अच्छी तरीके से तैयार करूँगी, ताकि जो मैं टमाटर के पौधे लगाऊँगी, तो मैं टमाटर के पौधे जब लगाऊँगी तो मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए मैंने छोटी छोटी सी पौध तैयार कर दी है। और ये देखिए, ये कल मेरी छत पर बंदर आए थे, उन बंदरों ने ऐसा आतंक मचाया है कि क्या बताया जाए, और उन्होंने सारे बैंगन वैंगन तोड़ करके। तो अब मैं थोड़ा सा इसके बचत के लिए उपाय करूँगी कि अगर बंदर को एक बार पता लग जाता है तो वो फिर आपको छोड़ते नहीं है, मतलब आपकी फसलों को छोड़ते नहीं है, वो हर दूसरे तीसरे दिन राउंड लगाते रहते हैं। तो उसी के लिए मैं आई हूँ आज टेरेस पर सुबह सुबह, और थोड़ा सा मैं कम से कम 1 से 2 घंटे टेरेस पर ही टाइम बिताऊँगी और देखूँगी कि इसके उपाय के लिए क्या किया जाए। और इस तरीके से मैंने मिट्टी भी सुखा करके दोबारा से रिचार्ज करूँगी मैं इसको, और थोड़ा सा अपना टेरेस गार्डनिंग पर अपना टाइम बिताऊँगी बहुत अच्छा। और ये देखिए, एक बार आप देख लीजिए कि जो मेरी लौकी है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, ये बंदर की से बचा करके मैंने इसको लगाया है। और ये देखिए, हम बंदर आए थे लेकिन वो वाइट थैली के अंदर देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज होकर के चले गए हैं। और ये मेरे करेले की बेल है, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आखिरकार ये करेले जो मेरे आ रहे हैं ये पीले किस कारण हो रहे हैं। तो मैं शायद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं इसी को लेकर के बनाऊंगी। इस करेले के पौधे से मुझे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, और अभी भी देखिए इसमें बहुत सारे फ्रूटिंग बनी हुई है, लेकिन फ्रूटिंग थोड़ी पीली हो जा रही है, सक्सेस नहीं हो रही है। तो मैं बताऊंगी कि किस कारण से आखिरकार ये दिक्कत आ रही है, और मैं उसका उपाय भी करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आपको बताऊंगी कि मैंने इसकी उपाय क्या किया है। और देखिए, और अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं और आपने गर्मियों की सब्जियाँ ले ली है और अब सर्दियों की सब्जियों की तैयारी करेंगे, तो इसी तरीके से आप सारी मिट्टी को अच्छी तरीके से धूप लगा दें, कंटेनर खाली कर दें, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी, कम से कम पूरा नहीं खाली कर पाएँ तो आधा कंटेनर तो आपको खाली करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई उपाय नहीं है। कंटेनर खाली कर दें, धूप लगा दें, और उसके बाद जब मैं मिट्टी बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको दोबारा रिचार्ज कैसे करूंगी इस मिट्टी को। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।